हाई कोर्ट के आदेश पर नरवर नगर परिषद के पार्षदों के चुनाव 6 मार्च को कराए गए थे। इस चुनाव में भाजपा के 4, कांग्रेस के 4 पार्षद जीते थे। वहीं बसपा का 1 और निर्दलीय 6 वार्ड पार्षद चुनकर आए थे और साथ ही साथ इस बार वार्ड पार्षदों को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना था, इसलिए अध्यक्ष बनने के लिए बीजेपी पूरे दमखम से प्रयास करना शुरू कर चुकी है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में अपना अध्यक्ष बनाने के लिए कोई गणित नहीं बैठा पाई। हुए अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पद्मा संदीप माहेश्वरी ने जीत हासिल की। उन्होंने 15 में से 13 मत प्राप्त कर एक तरफा जीत हासिल की। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर उषा ब्रजेंद्र गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित हुई। पद्मा माहेश्वरी के नगर परिषद अध्यक्ष और उषा ब्रजेंद्र गुर्जर के उपाध्यक्ष बनने पर विजय जुलूस नगर में निकाला गया, जिसमें डीजे ढोल नगाड़ों की धुन पर नगरवासी थिरकते नजर आए। नगरवासियों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जगह जगह फूल माला पहनाकर गुलाल लगाकर आतिशबाजी कर स्वागत किया। मैं अपनी पूरी जनता और 6 वार्ड की जनता जो मुझे यहाँ पार्षद बनाई और पार्षद के बाद सबने मिलकर मुझे जो अध्यक्ष बनाया और उसके बाद पूरी नगर की जनता, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे ये मुझे जैसे जैसे मौका देंगे या इन लोग के मन में जो जो बातें हैं इनको मैं बैठकर पूरा करना चाहूंगी और इनके सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अभी कोई लक्ष्य सोचा हो, क्योंकि जब चुनाव अपन लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मन में ठान लेते हैं। अभी तो जीत मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था, अब दूसरे लक्ष्य पर मैं गौर करूंगी। जी भाई साहब, जी भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जी 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 पहली बार राजनीति में शायद ये पद पाया होगा, क्या कहेंगे उसको? अच्छा लगा, ने हमारा पूरा सहयोग करा भी गया और जो भी सेवा मिले वो सब करेंगे। मैं अपनी पूरी जनता और 6 वार्ड की जनता जो मुझे यहाँ पार्षद बनाई और पार्षद के बाद सबने मिलकर मुझे जो अध्यक्ष बनाया और उसके बाद पूरी नगर की जनता, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे ये मुझे जैसे जैसे मौका देंगे या इन लोग के मन में जो जो बातें हैं इनको मैं बैठकर पूरा करना चाहूँगी और इनके सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। अभी कोई लक्ष्य सोचा हो, क्योंकि जब चुनाव अपन लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मन में ठान लेते हैं। अभी तो जीत मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था, अब दूसरे लक्ष्य पर मैं गौर करूंगी। जी भाई साहब, जी भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जी 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 उपाध्यक्ष पहली बार राजनीति में शायद ये पद पाया होगा, क्या कहेंगे उसको? अच्छा लगा, ने हमारा पूरा सहयोग करा भी गया और जो भी सेवा मिले वो सब करेंगे। 15 में से 13 पार्षद आपके साथ, मतलब कांग्रेस के पार्षद भी शायद आपके भाले में आ गए, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल सही बात है, 13 पार्षद तो आप समझ ही सकते हो कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और सबने मतदान भारतीय जनता पार्टी का के पक्ष में किया। उपाध्यक्ष पद निर्विरोध आया है, इसके लिए मैं सभी पार्षदों का और पूरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, बीडी शर्मा जी का, जिला अध्यक्ष जी का, सबका मैं अपने दिल से धन्यवाद देना हूँ। और जिन लोगों ने सबने सहयोग करके इस बाढ़ वासियों से लेकर और पूरे नरवर के सभी लोगों का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके आशीर्वाद जिस हिसाब से दिया है, मैं चाहूँगा कि 5 साल में हम दोनों मिलके, चूँकि अध्यक्षा महोदय और उपाध्यक्ष महोदय दोनों और पूरे पार्षद मिलके जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके साथ में खड़ा होकर पूरा करने की कोशिश। कोई लक्ष्य तय किया हो नगर के विकास के लिए? बहुत सारे मन में बातें हैं, जिस तरह से अब पूरा प्रयास किया जाएगा, बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पूरी हों, साफ़ सफाई अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी साफ़ सुथरा मिले,
और बाकी की जो विकास के कारण उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। नरवर के अंदर जो भी जरूरत है, जहाँ भी जरूरत है, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि हम शासन से जो जीत अपनी हासिल हुई है। क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने आपके पार्षद के जो बाढ़ था उसमें अपने प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो जो कितनी अहम भूमिका निभाई है? मुझे तो नहीं मालूम क्यों नहीं उतारा।